सपना के किचन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ आलू दम की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। देख सकते हैं हमारी आलू दम की सब्जी कितनी अच्छी और लाजवाब बनी हुई है। इसमें कलर भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। ये बनाने में भी बहुत आसान है, झटपट बनकर रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलिए अब हम आलू दम की रेसिपी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। आलू दम की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ कुछ आलू उबाल कर ले लिए हैं, देख सकते हैं। मसाले के लिए हमने यहाँ दो टमाटर, एक प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, 4-5 हरी मिर्च हैं और जीरा है, और कुछ खड़े गरम मसाले भी हमने ले लिए हैं। इन सबको हम इसको रेडी कर लेंगे। आलू को फ्राई करने से पहले हम आलू में चाकू की मदद से थोड़ा थोड़ा चीरा लगाएंगे, जिससे हमारा जब आलू दम बने तो उसके अंदर रसा अच्छे से घुस जाए। इसी तरह हम सारे आलू पे कट लगा लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें आलू को फ्राई करने के तेल डालेंगे। हम यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स। सरसों तेल में सब्जी का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें आलू को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू को हमें बिल्कुल रेड होने तक फ्राई करके रेडी कर लेना है। इसी तरह से पलट पलट के हम सारे आलू को फ्राई कर तैयार कर लेते हैं। आलू हमारा फ्राई हो गया है, देख सकते हैं फ्रेंड, कलर भी इसका काफी अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में हम अब जीरा डालेंगे मसाले को भूनने के लिए, प्याज डालेंगे और 2-3 तेजपत्ता डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें सारे मसाले को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सारे मसाले को अच्छे से भून कर रेडी कर लेते हैं। मसाले को भूनते हुए हमें 8 से 10 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड, तेल भी हमारा छूट गया है मसाले से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें बड़े से कटोरी में 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर पर छोड़ देते हैं। जब हमारा पानी अच्छे से उबलने लगेगा तो हम इसमें आलू को डाल लेंगे। पानी हमारा अच्छे से उबलने लगा है, अब हम इसमें आलू को डालकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। हम इसी से थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो गए हैं आलू को उबलते हुए। आलू के अंदर रसे भी काफी अच्छे से घुस गए हैं। अब हम इसमें गार्निश के लिए ऊपर से हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे 1 कटोरी में निकाल कर दिखाएंगे। मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आप सबको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी आलू दम की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। देखने में कितनी लाजवाब दिख रही है और खाने में भी बहुत ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।